उस बीच एक बड़ी खबर हजारीबाग से। पुलिस लाइन में महिला की हत्या के मामले में दो गिरफ्तार किए गए हैं। लोसिंगना थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में 20 की रात हुई थी महिला की हत्या। गिरफ्तार आरोपी निकला पुलिसकर्मी का पुत्र। एसडीपीओ ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। ये बहुत बड़ी घटना है। इससे जुड़ी जानकारी हम अपने सहयोगी फलक शमीम से लेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फलक, पूरा मामला जानना चाहेंगे, आखिर कब हुई थी हत्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए जानना चाहेंगे, पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक। देखिए पंकज, इस पूरे मामले में लगातार हजारीबाग पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही थी और इस मामले में उक्त महिला के साथ रह रहे पुलिसकर्मी परशुराम को भी गिरफ्तार किया गया था। मामले की पूछताछ की गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले में अपनी दबिश बनाते हुए कार्रवाई करते हुए हर एक साक्ष्य पर नजर टिकाई भी थी और इसी मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहला आशीष कुमार और दूसरा उसका दोस्त करण कुमार है। ये दोनों अभियुक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। साथ ही बता दें आपको कि इस घटना में प्रयुक्त चाकू को कोयल नदी के बगल में जलाने के पश्चात बचे हुए चाकू के लोहे वाले भाग को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो फलक, मतलब ये हत्या के पीछे की वजह क्या थी, क्या बातचीत से मसला नहीं सुलझ रहा था, क्या वजह थी? देखिए पंकज, सबसे पहले बता दें कि जो आशीष कुमार है उसकी उसके पिता है जो पुलिस पदाधिकारी थे परशुराम, और उनकी पत्नी का देहांत कुछ दिनों पहले हो गया था और उसके पश्चात वो पुलिस के जो रिजेक्ट क्वार्टर है उसमें उस महिला के साथ, यानी कि जिनकी हत्या हुई थी रिंकी कुमारी जिनका नाम था, उनके साथ रह रहे थे। और इसी मामले में कहा जा सकता है पारिवारिक मामला भी कहा जा सकता है, या फिर बिल्कुल इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि उस जो आशीष है जो मुख्य अभियुक्त है उसमें उनको इंटरनली अच्छा नहीं लगा होगा कि उनकी मां की मृत्यु के पश्चात तो उनके पिता किसी अन्य महिला के साथ रह रहे हैं। ये बदले भावना भी लग रही है इसमें पंकज, और इसी पूरे मामले में वो इस पूरे घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पंकज ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और भी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फलक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से ये एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।